में मुझे कल एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला था। मैंने बाय किया वहां से, उसके बाद रिवर्स हो गया यार, लॉस हो गया यार मेरा बोल। तो मैं समझ गया तूने फेक ब्रेकआउट पकड़ लिया। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। सबसे पहली चीज है लुक फॉर कंफर्मेशंस। कभी भी ब्रेकआउट आपको मिले तो वहां पर कैंडल की क्लोजिंग तक वेट करिए और वहां पर चेक करिए कि सबसे बड़ा कैंडल नहीं बन रहा है, क्योंकि बड़े कैंडल पर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। इससे अच्छा कि ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है अवॉइड वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है और वॉल्यूम बहुत कम है तो गाइस कंफर्मेशन नहीं है, हमें ट्रेड अवॉइड करना है क्योंकि ब्रेकआउट फेक हो सकता है। एंड थर्ड है मल्टीपल टाइम फ्रेम। अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप चेक करिए 15 एंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट हो, क्योंकि डबल कंफर्मेशन से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ब्रेकआउट की। एंड फोर्थ एंड लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कंसीडर द कंटेस्ट, कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, या फिर कोई न्यूज आने वाली है या नहीं। दोस्तों आप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने नॉलेज चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए।